subscribe to our channel and press the bell icon for latest cricket and football news. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों Q&A में आप सभी के पूछे हर सवालों का जवाब है इस वीडियो में, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि FC गोवा ने एक नए मिडफील्डर को साइन किया, उनका नाम है जैन क्रूज। जी हाँ दोस्तों, जैन क्रूज मोरक्को के अटैकिंग मिडफील्डर है और उनका उम्र है 27 साल और FC गोवा ने उन्हें साइन भी कर लिया है। दोस्तों पहला सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा वो है संदेश Jhinghan के ITK में है। दोस्तों मैं इस वीडियो में कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि संदेश Jhinghan वाली न्यूज़ फेक है। दोस्तों संदेश Jhinghan ATK में नहीं है और केरला ब्लास्टर संदेश Jhinghan जैसे डिफेंडर को कभी रिलीज भी नहीं करेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि संदेश Jhinghan कोलकाता के टीम में नहीं है बल्कि केरला के टीम में है। दोस्तों दूसरा सवाल जो कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या ATK क्वालिफाई करेगी। दोस्तों ये बताना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अभी ATK छठे पोजीशन पे और टॉप फोर वाली टीमों का ज़्यादा पॉइंट है ATK से, तो मेरे ख्याल से ATK इस बार शायद ही क्वालिफाई कर पाएगी। पर ATK ने इडू गार्सिया और प्रीतम कोटाल को साइन किया है तो ATK की चांसेस थोड़ी बढ़ेगी, पर मेरे ख्याल से थोड़ा ये मुश्किल होगा। दोस्तों अगला सवाल है निकलो वेलेज ISL में लौट रहे हैं और क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम में लौट रहे हैं कि नहीं। दोस्तों कुछ लोगों ने ये मुझे कमेंट किया और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है निकलो वेलेज के बारे में। निकलो वेलेज ने फेसबुक पे पोस्ट किया था ISL को लेकर, पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है इसके बारे में। जब निकलो वेलेज ISL में लौटने का न्यूज आएगा तब मैं वीडियो बना के बता दूंगा आप सभी को। तो अर्णव मंडल की इंजरी के बारे में भी पूछा गया है। तो दोस्तों अर्णव मंडल पूरे 100% फिट हैं। दोस्तों अर्णव मंडल दिसंबर में ही फिट हो गए थे और अभी भी फिट हैं। दोस्तों ATK जब चाहे इनको खिला सकती है प्लेइंग 11 में। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया वो है क्या इवर्टन सैंटोस ATK में है कि नहीं। दोस्तों इवर्टन सैंटोस ATK में ही है। दोस्तों सैंटोस ATK में से रिलीज नहीं हुए हैं। दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि BK ATK में से रिलीज हुए हैं कि नहीं और ATK BK को हटा को Jhinghan को लाई है कि नहीं। दोस्तों BK के ऊपर मैं कल ही वीडियो बना चुका हूँ और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि BK ATK में ही हैं और संदेश Jhinghan केरला ब्लास्टर में ही हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि क्या मिगुअल पेलेंका ATK में आए हैं कि नहीं। दोस्तों अभी तक ATK और गोवा की टीम से मिगुअल पेलेंका की साइनिंग की कोई न्यूज़ नहीं आई है। दोस्तों मेरे ख्याल से गोवा ने जैद क्रूज को साइन किया है तो पेलेंका को ATK में ट्रांसफ़र कर देगी, पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है पेलेंका के साइनिंग के बारे में। तब तक के लिए पेलेंका ATK में नहीं आए हैं। तो दोस्तों ये थी आप सभी की पूछे गए सभी क्वेश्चन की Q&A वीडियो। मैंने सबकी क्वेश्चन लिया है। अगर किसी का और क्वेश्चन तो नीचे वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए और मैं वहाँ रिप्लाई करके आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।